मुझे तुम्हें इस गांव के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें समय लगेगा। असल में हमारे पास समय है ही नहीं, युद्ध चल रहा है। मादरा उचीहा वापस आ चुका है और उसका मकसद है शिनोबी दुनिया का खात्मा। रीएनिमेशन जुत्सु को इस्तेमाल करने वाला कौन है? मेरा नाम है काबुटू। आपका रीएनिमेशन कुछ खास है, अब आप अपने जवानी के दिनों से भी ज्यादा बेहतर हैं। ओ सच में, क्या तुम जानते हो कि मैं अपने जवानी के समय कैसा था? हाँ नहीं, यही उन वजह में से एक है कि मैं आपको भी यहाँ लाया, ताकि आप मुझे अपनी महान उचिया ताकत दिखाओ। लगता है उसे रोकना उतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, चाहे जो भी हो जाए उसकी आंखों में सीधा मत देखना। आखिर तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? क्या तुम सच में गंभीरता को समझते हो मादरा की फिर से जिंदा होने की? मुझे महसूस हो रहा है मेरा इनके आगे होना ही बेकार है। और ऐसे हालात में अगर हमें लड़ाई जीत भी जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? हमारे पास लड़ाई में शामिल होने का और उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं। फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम। इसे रोकना हमारे बस में नहीं है, ये जुत्सु तो विशाल है। क्या तुम्हारे समझ आया? ये युद्ध एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। क्या ये एक देवता की ताकत है? यहाँ तक के पांचों खागे भी उस ताकत के आगे कुछ नहीं जो मेरे पास है। वो गायब क्यों नहीं हुआ? मुझे लगा रीएनिमेशन जुत्सु खत्म हो गया था। हमें उसे पूरी तरह जिंदा होने से रोकना होगा। आखिर वो वक्त आ गया, मैं इंतजार कर रहा था हाशिरामा। एक ऐसी लड़ाई जैसे वो लड़ रही है हम किसी काम की ही नहीं। ये बंदा कोई मजाक नहीं, और अब मैं तुम सब गलीज दरिंदों को अपने कब्जे में करूंगा। गलती हो गई हाशिरामा।